हे एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीबी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल एक वीडियो लेकर आई हूं, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट सा एक पाउच है जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है। और इस पाउच का आप कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, या फिर कोई भी हो, सभी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ मैंने 3 पीस लिए हैं। तो यहाँ मैंने ये लिया है एक मेन फैब्रिक, तो सारे जो पीस हैं सभी का बराबर ही नाप है। तो यहाँ इसकी जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच लिए है, और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 5 इंच। तो 9x5 इंच का ये पीस है, तो ये पीस भी सारे इतने ही हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने अस्तल लिया है, ये बीच में मैंने लिया है एक शॉपिंग बैग। तो यहाँ नीचे मैंने अस्तल रख लिया है, उसके ऊपर रखा है मैंने ये इस तरीके से शॉपिंग बैग, और इसे साइड में इस तरीके से सेट करते हुए मैं रख दूँगी। अब इसे साइड में रखने के बाद में यहाँ मैंने लिया है एक चैन 5 इंच का, जो ये मेन फैब्रिक है, तो उसका सीधा वाला साइड मैंने ऊपर की साइड रखा है, और इस चैन का जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड है। तो इस तरीके से मैंने इस चैन को रख दिया है। अब इसके ऊपर ये जो पीस है मैंने तैयार किया है, उसे इस तरीके से मैंने यहाँ रख दिया है। अब रखने के बाद इसे मैं कर लूँगी पिनअप। अब पिनअप करने से क्या होगा, ये इधर उधर खिसकेगा नहीं, तो दूसरी साइड हमें जो चैन है इसका जो अगला वाला हिस्सा है वो हमें सेट करना है, तो वो बहुत आसानी से हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये इन दोनों पीसों को ऊपर कर लेंगे, और जो ये चैन है इसका, ये जो सीधा वाला साइड है, इसे हम इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे, और यहाँ हम इसे इस तरीके से पकड़ लेंगे, और इन दोनों पीसों को भी इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे, और यहाँ कर लेंगे हम इसे पिनअप, क्योंकि यहाँ पिनअप करने से ये खिसकेगा नहीं, और इस पर हम सिलाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने इसे पिनअप कर लिया। अब यहाँ लगानी है हमें सिलाई, तो यहाँ चलिए हम सिलाई भी लगा लेते हैं। तो सिलाई हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ हमें सिंपल सिलाई लगानी है। ये यह देखिए, यहाँ सिलाई हमने लगा ली। अब ये दूसरी वाली साइड है, यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। पिंस को हटाते जाना है और सिलाई लगाती जाना है। ये देखिए, दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा ली। अब इसे पलटना है। पलटने के लिए जो अस्तल है और जो मेन फैब्रिक है, वहाँ बीच में से हमें इसे पकड़ना है और पलट देना है। तो देखिए, कितनी फिनिशिंग से जो हमारी चैन है वो अटैच हो चुकी है, और पाउच हमारा बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से बनेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ दाब सिलाई लगानी है दोनों साइडों में। तो यहाँ हम दाब सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस साइड हमने दाब सिलाई लगा ली है। अब दूसरी वाली साइड है, उसमें भी हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइडों में हमारी दाब सिलाई लग चुकी है, जिससे कि चैन हमारी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब इसमें डालना है हमें रनर। तो रनर डालना बहुत आसान होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से हमें रनर डालना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप बहुत आसानी से रनर को डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ अब जो चैन है वहाँ से हमें इस तरीके से पकड़ना है, और जो नीचे वाली साइड है वहाँ इस तरीके से कट लगाना है, यानी कि सेंटर का हमें निशान लगाना है। तो आप चौक से भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से कट भी लगा सकते हैं। तो मैंने कट लगा दिया है। तो दोनों साइडों में हमें इस तरीके से ही निशान लगाना है, और इस पीस को अब करना है हमें उल्टी साइड में इस तरीके से। ये हमने उस उल्टी साइड में से सेट कर दिया। अब यहाँ मैंने 2x2 का ये एक पीस लिया है, देखिए मेन फैब्रिक का ही पीस लिया है, और इसे देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है दोनों साइडों से, और फिर बीच में से हमें फोल्ड करना है, और इसके किनारों पर हमें लगा देनी है सिलाई। और ये देखिए, हमारा एक लूप बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ आप जो की रिंग है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक ये रिंग पड़ा हुआ था, तो ये मैंने यहाँ इस तरीके से बीच में लगा दिया है, और यहाँ डबल फोल्ड कर दिए हुए इस लूप को, यहाँ सिलाई लगा दी है। तो देखिए, हमारा ये इस तरीके से लूप तैयार हो चुका है। अब यहाँ देखिए, जो हमने बीच सेंटर का निशान लगाया था इस तरीके से, तो यहाँ जो चैन है वहाँ देखिए इस तरीके से हमें सेट करना है, और जो ये लूप है वो अंदर की साइड इस तरीके से रखना है, और यहाँ लूप को इस तरीके से अटैच करना है जो सेंटर है वहाँ, और जो चैन है उसे भी इसी के ऊपर रखना है सेंटर पर। और यहाँ हमें सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हम इसे यहाँ कर देंगे पिनअप, क्योंकि यहाँ हमें कुछ मार्किंग करनी है। और दूसरी वाली साइड में ही जो चैन है
और जो बीच वाला सेंटर है वहाँ इस तरीके से हम इसे रख लेंगे। तो आप पिनअप कर सकते हैं, मैंने पिनअप नहीं किया है। तो अब हमें इसके जो कॉर्नर हैं दोनों साइडों में, वहाँ हमें इस तरीके से 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ हमें लेना है इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से निशान लगाना है। तो दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से हमें 1 पॉइंट से 2 पॉइंट कम लेना है, यानी कि 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ लेना है इस तरीके से, और निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद में ये देखिए जो निशान लगाया है उसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करना है दोनों साइडों से। अब ये देखिए फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद मैंने अच्छे से सेट करना है और यहाँ लगानी है हमें सिलाई। ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो दूसरी वाली साइड है यहाँ हमने निशान लगाए हैं, इन्हें भी हमें इसी तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ हम जो चैन है और जो ये सेंटर का मार्क लगाया था उसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, और जो साइडों में ये निशान लगाए हैं उन्हें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ भी हम लगा देंगे सिलाई। ये देखिए दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ मैंने पाइपिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा ले लिया है, और इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद में अंदर की साइड इस तरीके से हमें इसे कवर करना है और यहाँ लगा देनी है सिंपल सिलाई, और नीचे से भी हमें इसी तरीके से इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है, और बाहर की साइड में पलटते हुए दूसरी साइड में हमें ऊपर की साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम इस पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। अब पाइपिंग को देखिए हमने अटैच कर लिया है फिनिशिंग से, और अब ये पाउच है इसे हम सीधा करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये पाउच हमने सीधा कर लिया है, और कितना प्यारा क्यूट सा पाउच बना हुआ है, और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। और जैसे कि लेडीज़ वगैरह हैं मार्केट जाती हैं कॉइन्स वगैरह के लिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें हम अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। तो देखिए मार्केट में हम इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं, और इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ देखेंगे जिन्हें मैं आपको बहुत आसानी से बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए कितना क्यूट सा पाउच बना हुआ है, और हमें बिल्कुल ज़रा सा टाइम लगा इसे बनाने में, और आप इसे किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल में बैग में लगा कर दे सकते हैं, सैनिटाइज़र है, हैंकी है, इसमें रख के दे सकते हैं छोटे बच्चों को। तो बहुत अच्छा पाउच है ये। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये यूज़फुल है या नहीं। अगर है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक अपना लाइक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।